दोस्तों वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। और फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ होंडा की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी WRV के VX वेरिएंट्स का, जो ऑल न्यू वेरिएंट्स आया है BS6 में अपग्रेड होने के बाद में, और इसके इंटीरियर एक्सटीरियर में काफ़ी चेंज किए गए हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कम्प्लीट वीडियो देखिए विदाउट स्किप करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जो होंडा की गाड़ियां पसंद करते हैं। कंफर्ट और सेफ्टी की वजह से निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी होती हैं गाड़ियां, और जैसा ही अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं सभी तरह की गाड़ियां आपके साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये है होंडा की WRV, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसका व्यू देखना है। ये होंडा का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा क्रोम ग्रिल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये इसकी हेडलाइट्स हैं, इसके अलावा फॉग लैंप्स वगैरह सभी आपको इस मॉडल में नज़र आ रहे हैं। ये VX वेरियंट्स है, और एक बार व्यू कर तो देखते रहिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हम इसका एक्सटीरियर व्यू। तो एक्सटीरियर व्यू आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके टायर। बाद में हम इसके फीचर्स भी शेयर करने वाले हैं, कंप्लीट्स क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। और हमने इससे पहले भी WRV की वीडियो शेयर की थी जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, लेकिन ये अपग्रेड होने के बाद में काफ़ी फीचर्स इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस गाड़ी में हुआ है ओल्ड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए बैक में से दिखा रहे हैं। ये डिफॉगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर लाइट, ये देखिए फ्रंट रूफ देखिए इसका, तो काफ़ी बिल्कुल शार्प फिन इसे आप कह सकते हैं। इसके बाद और ये इसका वेरिएंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, VXIDTEC जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा काफ़ी स्टाइलिश लुक पीछे से भी इसे दिया गया है बैक में से। और अब दिखा देते हैं इसका, अब हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं कैबिन के अंदर। आपको दिखा देते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल वेरिएंट्स में है, और इंजन इसमें भी आता है 1.2 लीटर वाला, यानी 1199 cc का, जो आपको देता है 88.05 BHP की पावर, तथा इसके अलावा 110 Nm का टॉर्क। और पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो वगैरह सभी इसमें मिली जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा अन्य फीचर्स आपको बताएंगे होंडा से हमारे साथ है मिस्टर केशव तिवारी। हाँ जी, बताइए इसके बारे में। और बाकी सर इसमें आपको मैं स्टीयरिंग के बारे में बताता हूँ। पहले टिल्ट, एक तो टिल्ट तो बेसिक सब में ही आता है, इसमें एक फीचर आता है टेलीस्कोपिक, आप स्टीयरिंग को आगे भी ले सकते हैं जैसे टेलीस्कोपिक, यानी अपने कंफर्ट के अनुसार हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, अपने कंफर्ट के अनुसार एडजस्ट करते हैं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, बिल्कुल। उसके बाद आपको AC टच पैनल दे रखा है गाड़ी के अंदर, ये देखिए लाइट किस तरीके से आप इसको टच पैनल तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक सबसे अट्रैक्टिव फीचर है वन टच इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ। वन टच मीन्स एक टच करते ही ओपन हो जाती है सनरूफ, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आप आज की गाड़ियों में देख रहे हैं। एक सी खुले इस तरीके से विंडो जैसे अमेज में था, वो फीचर इसमें भी है। तो अमेज की तरह सेम फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग हो, क्रूज कंट्रोल भी हमें इसमें नजर आ रहा है, क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल रहा है। जूम करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखिए क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल का फ्रेंड्स बहुत बेनिफिट होता है, और इसके बारे में आपको बताएंगे तिवारी जी कुछ। और क्रूज कंट्रोल का बेनिफिट क्या है सर, ये बताइए। इसका जो बेनिफिट होता है सर, जैसे आप हाईवे पर जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी अमेज में इसका इसके बारे में बताया था आपको, हाईवे पर जा रहे हैं मिनिमम आप 40 रेंज सेट करके क्रूज देखिए, आप क्रूज सेट करेंगे तो मेन लाइट क्रूज मेन ग्रीन कलर की लाइट देखेगी, हाईलाइट आप देख सकते हैं टैकोमीटर में क्रूज मेन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप सेट करके छोड़ दीजिए, स्टीयरिंग कंट्रोल करनी है, गियर शिफ्टिंग नहीं करनी है आपको। यानी एक तरीके से और CVT गाड़ी का मजा देती है गाड़ी, कुल मिलाकर ये फायदा है। मैंने तो बताऊंगा आपको, जो क्रूज कंट्रोल पहले फॉर डीजल में ही आ रहा था WRV के अंदर, अब पेट्रोल में ये आपको टॉप एंड मॉडल में मिल जाएगा, पहले डीजल में मिलता था अब आपको पेट्रोल में, अब पेट्रोल के अंदर भी ये फीचर मिल रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, पुश बटन स्टार्ट जो पहले डीजल के अंदर मिलता था वो अब आपको पेट्रोल के टॉप एंड मॉडल में मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल वेरिएंट है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, और इसमें आपको ये बटन भी यहाँ पर मिल रहा है, मिलेगा। और इसमें आपको जो ये इसमें NMC मॉडल है इसका, 2 तारीख को जो उसके 2nd of July को उसकी लॉन्चिंग हुई है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी गई है। लाइट्स आपके पीछे टेल लाइट चेंज कर दी गई है, आगे की आपकी लाइट सारी LED कर दी है, जो कि अगर आपको मैं दिखाऊंगा फ्रंट प्रोफाइल में से गाड़ी। इसके अलावा मेन सभी फीचर्स हैं जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट, इसके अलावा पावर बूट्स वगैरह हैं, एयर कंडीशनर, AC हीटर्स वगैरह,
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ये सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। सारी गाड़ी की जो सुरक्षा सुरक्षा में बात करें एक बार दोबारा रिवाइंड कर देते हैं, ABS है, EBD है, ये सारे आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। और वॉइस कंट्रोल ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं सामने, क्योंकि इसमें एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अच्छा, एडिशनल फीचर्स में आता है आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच कंट्रोल पैनल, डस्ट एंड पोलन फिल्टर, फ्रंट मैप लैंप है, इंटीरियर लाइट है, ये विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए कितना जबरदस्त फीचर है, आप ध्यान कीजिए, यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको इस साइड में भी मिलता है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा सिस्टम हमें लगता है, ये इसका प्लस पॉइंट्स यहाँ पर मान सकते हैं। और इंटीरियर में और क्या है इसके अलावा, जैसे इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर्स आप सामने देख ही रहे हैं, इसके अलावा आउटसाइड का टेम्परेचर डिस्प्ले होता है इसके अंदर, और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए कंट्रोल इको सिस्टम्स इसके अंदर मिल रहा है, और ड्यूल टोन आपका डैशबोर्ड आप सामने देख पा रहे हैं। एक आपको कप होल्डर भी दे रखा है ग्लास वाला, यहाँ पे भी आप एक कप होल्डर भी आपको फ्रंट पे ड्राइवर साइड में ही मिल रहा है, यानी यूटिलिटी स्पेस भी काफी अच्छा है इसके अंदर। बाकी फोर बोतल वगैरह तो कॉमन ही है, वो सब गाड़ियों में ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके हर साइड में मिल जाएगा, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए स्पीकर्स हो तो फोर स्पीकर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी के सभी फीचर्स हैं। अभी चलते हैं, सेंटर लॉकिंग है, पावर डोर लॉक है, ये सारे आपको इस गाड़ी के अंदर नजर आ रहे होंगे। और ड्यूल एयरबैग्स जैसे आपको बताए हैं वो सब आपको इसमें मिल रहे हैं, पैसेंजर साइड में रियर व्यू मिरर है सेफ्टी के हिसाब से। प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रही है एलईडी वाली, एलईडी के साथ विद एलईडी के साथ आपको मिली, सबसे बड़ी बात है। और टायर साइज की बात करूँ 16 इंची के टायर मिलेगा आपको इसमें, और डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ 16 इंची टायर, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बिल्कुल स्टैंडर्ड मिल रहा है सभी वेरिएंट्स के अंदर, तो बहुत अच्छा है। इसकी बात करूँ सर आपसे 190 ग्राउंड क्लियरेंस है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और देख वो भी काफी ज्यादा है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है इसके। 363 liter का आपको डिग्गी का स्पेस मिलेगा, 363 liter, उसके बाद आपको रूफ रेल मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, और शार्पी मेंटेनेंस सारी चीज गाड़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स ये है WRV के लेटेस्ट वेरिएंट्स की ऑल टू ऑल डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इसके अलावा होंडा की आप जो भी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, प्राइस जो टॉप एंड मॉडल की 976,400 इसकी एक्चुअल शोरूम प्राइस है। तो अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया है, अगर आप वेस्ट UP से हैं तो निश्चित रूप से आप यहां पर कॉल कर सकते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ सभी सोशल नेटवर्क पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।